टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई, अलग अलग इलाकों में वोटिंग के दौरान हिंसा हुई है। आखिर क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई और वहां का नजारा क्या रहा, यह आपको दिखाते हैं। कहीं मारपीट, कहीं तोड़फोड़, कहीं आगजनी, कहीं अपहरण। पहले चरण की वोटिंग कूच बिहार में पवा, जिसका डर था वही हुआ। कूच बिहार में मतदान क्या शुरू हुआ, मानो संग्राम छिड़ गया। शीतल कूची से आए इस वीडियो को टीएमसी की तरफ से शेयर किया गया है। पार्टी का दावा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट की। एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए टीएमसी ने आरोप लगाया। शीतल कूची में बूथ संख्या 286 पर बीजेपी की बर्बरता का शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया और उनके वोट के अधिकार में बाधा डाली। बीजेपी को हार का डर साफ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते वो घिनौनी हरकतें कर रही है। ऐसी बर्बरता के बीच तथाकथित सतर्क केंद्रीय बल कहां है? आप कब तक अपने आकाओं की चापलूसी करते रहेंगे? कूच बिहार में छिड़ी इस सियासी हिंसा की तस्वीरें लगातार आ रही है। जो आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया गया है, कुछ वैसे ही आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगाए गए हैं। पार्टी की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में बीजेपी ने टीएमसी पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से वोटिंग को रोकने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके गए, जिसमें दो लोग घायल भी हो गए हैं। कूच बिहार के बूथ नंबर 226 से भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। हमारे सदस्यों, बेगर काटा के लोगों और ब्लॉक नंबर 226 के लोगों को बंगाल बीजेपी के गुंडों द्वारा वोट डालने से रोका गया और धमकाया गया। ये उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का सरासर उल्लंघन है। चुनाव आयोग को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। बताया जा रहा है कि कूच बिहार में हो रही इस हिंसा का सामना कई परिवारों को करना पड़ रहा है। कहीं पोलिंग बूथ को आग के हवाले कर दिया गया है, तो कहीं लोगों के घरों में तोड़फोड़ कर दी गई है। इतना ही नहीं, दिनहाटा में बीजेपी के बूथ एजेंट की किडनैपिंग की खबर भी सामने आ रही है। कि कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार, खास करके कुछ बिहार में क्या हिंसा नहीं होगा, क्या ऐसा एक चुनाव देखेगा बंगाल जहां पर पहले चरण में मतदान में वैसा हिंसा नहीं हुआ है। कल रात से थोड़ा बहुत प्री पोल वायलेंस, जिसको बोलते हैं, दिनहाटा के साइड में कुछ तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स के ऊपर हमला हुआ, ऐसा तृणमूल कांग्रेस का दावा है। वहां पे दिनहाटा का जो MLA हैं, उत्तर बंगाल की जो तृणमूल कांग्रेस की मंत्री हैं, वो देखने गए थे। वोटिंग के दौरान हुई इस हिंसा की प्लानिंग को ऐसे भी समझा जा सकता है कि दिनहाटा से पुलिस को बम भी बरामद हुए हैं। बीजेपी का आरोप है कि कूच बिहार में हुई हिंसा टीएमसी के आकाओं के इशारे पर हुई है। वैसे भी बंगाल से चुनाव के दौरान हुए बवाल की ये कोई नई तस्वीर नहीं है। यहाँ चुनावों के दौरान होने वाली हिंसा किसी रस्म की तरह हो गई है, जिसे निभाने का आरोप पूरे सिस्टम पर लगता आया है। कहते हैं कि मुर्दा कभी झूठ